कौन फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक रिलेशन। स्टार्टिंग का टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्लास इलेवन में आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा कि अ रिलेशन आर रिलेशन आर फ्रॉम A set A to B is a subset of A cross B. A cross B का एक subset होता है। For example, R एक, मैं आपको एक नमूना बताता हूँ। R इज इक्वल टू ए कॉमा बी। आर के अंदर ए कॉमा बी है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी फ्रॉम कैपिटल ए 1, 2, 4 टू कैपिटल बी 2, 3। R एक रिलेशन है, ए कॉमा बी उसके एलिमेंट्स है और A से B में डिफाइंड है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? सबसे पहले ए क्रॉस बी होगा आपका 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 2 और 4, 3, ये होगा। अब आर के एलिमेंट्स क्या होंगे? तो आर विल बी अ सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी। आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, लेकिन आर की कंडीशन है कि आर के अंदर वो ए कॉमा बी होंगे जिसमें ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ए ग्रेटर देन बी इसमें है क्या? ए मीन्स एब्सिसा, बी मीन्स ऑर्डिनेट। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। तो ये हो जाएगा 4, 2, 4, 3। ये आर के एलिमेंट्स हो गए। तो आर के एलिमेंट्स ये हो गए। तो आपने देखी ये जो एब्सिसा हैं इनको कहते हैं डोमेन ऑफ आर। तो आप देखिए डोमेन ऑफ आर क्या हो गया? डोमेन ऑफ आर हो गया एक एलिमेंट 4। 4, 4 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मालूम होगा रेंज ऑफ आर। जो आर का रेंज है वो होगा 2, 3। ये आर का रेंज हो जाएगा। ये 4 किसका सबसेट होगा? तो ये 4 सबसेट होगा ए वाले पार्ट का। तो डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए। डोमेन किसका सबसेट होता है? ए का। रेंज किसका सबसेट होता है? बी का। और बी को ही कोडोमेन कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। बी को कहते हैं कोडोमेन ऑफ आर। अब अगर आपका आर ऐसा हो कि आर ऐसा डिफाइंड हो, एग्जाम्पल टू, इफ आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट के लिए आप इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। ए प्लस 2b इज इक्वल टू 8 ऑन n। तो इसका मतलब है देन फाइंड r। r निकालना है आपको। तो r डिफाइंड ऑन n है। r किस पे डिफाइंड है? n पे। तो इसका मतलब है r डिफाइंड है n से n पर। r किस से डिफाइंड है? n से n पर डिफाइंड है। therefore n is सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? नेचुरल नंबर्स तो इन्फाइनाइट होते हैं। तो आप n क्रॉस n निकालना तो मुश्किल होगा। और r किसका सबसेट होगा? अगर n से n पे डिफाइंड है तो r n क्रॉस n का सबसेट होगा, क्योंकि अगर r a से b पे डिफाइंड है तो r a क्रॉस b का सबसेट होता है। तो अब r n क्रॉस n का होगा। n क्रॉस n निकालना तो मुश्किल है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, फिर हम ए और बी ऐसे मन से चूज करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हों। तो सबसे पहले ए की जगह हम 1 रखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ ए की जगह 1 रखता हूँ। ए प्लस 2b इज इक्वल टू 8 में ए की जगह 1 रखूँगा तो b की वैल्यू आएगी मेरे पास 3.5। पर b भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि r n से n में है तो ये भी नेचुरल होना, तो ये नहीं आएगा। a की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 लीजिए तो b की वैल्यू, ये 2 उधर जाएगा, b की वैल्यू 3 आ जाएगी।
तो ये पॉसिबल है, तो ये आर की वैल्यू हो गई 2,3, आर में सेटिस्फाई करेगा। अब ए की जगह 3 लेंगे तो बी यहाँ पर रखें 3, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 2.5, 2.5 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर अब आर की जगह 4, ए की जगह 4 लेंगे, तो जब ए की जगह हम 4 लेंगे तो 4 से हमारे पास आएगा बी इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4,2। और इसी तरीके से जब ए की वैल्यू 5 लेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, जब ए की वैल्यू 6 लेंगे तो बी की वैल्यू 1 आएगी, तो 6,1 होगा। जब ए की वैल्यू 8 लेंगे, ए की वैल्यू 8 लेंगे, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है आर। अब ये तो बात थी लास्ट ईयर तक की, ये 2, 4, 6 इसके डोमेन है, 3, 2, 1 उसके रेंज है। और कोडोमेन कौन है इसका? कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, और ये एलिमेंट्स किसके हैं? 3, 2, 1 ये एलिमेंट है रेंज के, और 2, 4, 6 जो है ये इसका डोमेन है, डोमेन। तो ये हमने देखा जो पिछले साल तक हमने सीखा था। अब हमें रिलेशन में यहाँ पर इसमें कुछ खास बातें देखनी है कि रिलेशन क्या क्या होता है। तो पहले रिलेशन के टाइप समझ लेते हैं आप, फिर हम उसको आगे देखते हैं। तो रिलेशन 3 टाइप का है जो हमारे कोर्स में है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप का रिलेशन है। और अगर ये तीनों टाइप का रिलेशन अगर कोई हो जाता है तो सच अ रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाता है वो? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अगर ये तीनों चीजें हो जाए उसके अंदर तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो अब समझते हैं रिफ्लेक्सिविटी क्या है। तो रिफ्लेक्सिविटी समझने के लिए मैं आपको लिखता हूं, अ रिलेशन आर ऑन ए, ए आर किसी ए पर एक रिलेशन है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे आर किससे किस में है, ए से ए में है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कब रिफ्लेक्सिव होगा? जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ये सिंबल है, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा ए किस में होना चाहिए? ए में होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहां आर होना चाहिए, इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव है कि अगर ए कॉमा बी आर का मेंबर है एंड बी कॉमा सी आर का मेंबर है तो ए कॉमा सी भी किसका मेंबर होना चाहिए? आर का मेंबर होना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब आर क्या चीज है? आर भी डिफाइन किया हुआ है, आर ऑन ए इज 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2। ये एक रिलेशन है और हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखें रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव में ये देखना पड़ेगा कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3। तो 1, 1 है, 2, 2 है,
थ्री थ्री है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि फॉर ऑल ए इन ए, फॉर ऑल ए इन ए मतलब ए का वैल्यू वन हो सकता है, ए का वैल्यू टू हो सकता है, ए का वैल्यू थ्री हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या होना चाहिए इसमें? वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए और थ्री थ्री भी होना चाहिए। अगर ये तीनों होगा इसके अंदर तो इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो इसमें देखिए वन वन भी है, टू टू भी है और थ्री थ्री भी है। अगर कोई ऐसा सेट होता जिसमें इसमें से थ्री थ्री हटा देते मान लीजिए, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, या इसमें से टू टू हटा देते तो नहीं होता, एक भी कम कर देते इन तीनों में से, कौन तीनों में से, इन तीनों में से एक भी अगर कम हो जाता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाता। लेकिन अभी इस केस में ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप देखो कि सिमेट्रिक क्या कहता है, ए कॉमा बी अगर आर का मेंबर है तो बी कॉमा ए भी किसका मेंबर होना चाहिए? आर का मेंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो वन कॉमा वन है तो वन कॉमा वन है, वन कॉमा टू है तो टू कॉमा वन है, हाँ है टू कॉमा वन, वन वन कॉमा टू अगर है तो टू कॉमा वन भी होना चाहिए, यही है आर, ये सिमेट्रिक। जैसे टू कॉमा थ्री है इसमें आर में तो थ्री कॉमा टू है क्या? नहीं, देखिए ध्यान से, टू कॉमा थ्री है मतलब टू का रिलेशन थ्री से है पर थ्री का रिलेशन टू से नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये इसका आंसर होगा, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बिकॉज कि टू कॉमा थ्री तो आर में है बट थ्री कॉमा टू आर में नहीं है। ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव तो है, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पर आर कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी अगर आर में है एंड बी कॉमा सी अगर आर में है तो ए कॉमा सी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो आप देखो वन कॉमा टू आर में है एंड टू कॉमा थ्री भी आर में है बट वन कॉमा थ्री आर में नहीं है। वन कॉमा थ्री है क्या आर में? वन कॉमा थ्री आर में नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इससे एक एग्जांपल से हमने समझा कि आर कैसा कैसा रिलेशन है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। दूसरे एग्जांपल में समझते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो दूसरा एग्जांपल देखिए कि आर के अंदर वो ए कॉमा बी ले लिए सच दैट ए इज इक्वल टू बी ऑन एन। अब आप देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो आप आर के अंदर ये रिफ्लेक्सिव देखो, ये सिमेट्रिक देखो और ये ट्रांजिटिव देखो, और इसमें आपको सोचना भी है। तो आप देखो कि आर के अंदर ए कॉमा बी वही होंगे जिसमें ए बराबर बी होगा, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब ए बराबर ए होना चाहिए। तो अपन क्या लिखते हैं इसमें? लिखते हैं वी नो दैट ए इज इक्वल टू ए, ए कॉमा ए और ए बराबर होते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। एन यहाँ पे कौन है? नेचुरल नंबर है, अंडर स्टूड है आपको। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इन ए। अब अगर इसकी सिमेट्री देखना है तो आपको मानना पड़ेगा ए कॉमा बी किसके अंदर है? आर के अंदर है। तो ए कॉमा बी अगर आर के अंदर है तो ए बराबर क्या होगा? बी।
अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर क्या होगा, ए, मतलब बी कॉमा ए किसके अंदर होंगे, आर के अंदर, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखो, देखो ना, सोचो अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर बी ए होगा, ए कॉमा बी अगर आर के अंदर है, बी कॉमा सी किसके अंदर है, आर के अंदर है, तो ए बराबर क्या होगा, ए कॉमा बी अगर आर में तो ए बराबर बी होगा, एंड बी बराबर क्या होगा, सी होगा, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ऑफकोर्स ए बराबर क्या होगा, सी होगा। तो इसका मतलब है कि ए कॉमा सी किसका मेंबर होगा, आर का मेंबर होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब अगर ये तीनों हैं तो ये कैसा रिलेशन हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पर जब मैं आपको इसके एलिमेंट्स लिखूंगा, आर की वैल्यू लिख दूंगा, तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो देखते हैं आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा वन वन, आर के एन के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, एन के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। तो एन क्रॉस एन निकालना नहीं, आर किसका सबसेट है, एन क्रॉस एन का। आर के अंदर कौन आएंगे, जो बराबर होंगे, तो आर के अंदर ये एलिमेंट होंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। अब आप देखो और मुझे लिखिए कि बताइए, अब आपको ये रिफ्लेक्सिव लग रहा है क्या, यस 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है, लेकिन ये सिमेट्रिक लग रहा है क्या, क्या आपको ये ट्रांजिटिव लग रहा है क्या, अभी ये लिखने में आपको लगा कि हाँ ये सब कुछ है, लेकिन अभी आपको देखने में लग रहा है क्या, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे नंबर इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी करके बता सकते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, तो मैं आपकी क्वेरी को और ज़्यादा क्लेरिफाई करूँगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस था। अब देखिए, अब हम अगर कुछ क्वेश्चंस में ये टेस्ट करने की कोशिश करें कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं, जिसमें हम तीनों यही बात डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वेयर ऑन एन। अब इसमें भी तीनों चीज़ें देखने हैं हमने को, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, आप ध्यान से देखो, ए अगर रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए होना चाहिए, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, यानी ए लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए। पर क्या ए लेस देन ए स्क्वायर होता है क्या, हमेशा हर एन के लिए, हर ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन के लिए होता है क्या, इज इट ट्रू ए लेस देन ए स्क्वायर, तो आंसर इज नो। क्यों, तब एक्सप्लेनेशन लगेगा, वन कैसा नंबर है, तो आंसर के लिए बिकॉज वन बिलोंग्स टू एन, बट वन इज नॉट लेस देन व्हाट, वन इज नॉट लेस देन वन स्क्वायर, वन वन स्क्वायर से छोटा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन नहीं है, Not a reflexive relation. अब सिमेट्री देखो, आप सिमेट्री के लिए अब आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, a लेस देन क्या होना, b स्क्वायर, और क्या डज इट इंप्लाई b लेस देन a स्क्वायर होगा, तो इसका भी आंसर मैं लिख देता हूं अभी, नो। क्यों, क्योंकि आप देखो, वन इज लेस देन टू स्क्वायर है, बट 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर है। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, a लेस देन b स्क्वायर हो, b लेस देन c स्क्वायर हो, डज इट इम्प्लाई a लेस देन c स्क्वायर, तो इसमें भी आंसर कितना होगा, नो। फिर अब आप सोचिए एग्जांपल्स, मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ कि अभी तो आप टेम्परेरीली मुझसे एग्जांपल ले लें कि ये ले लिया आपने 25, 25 लेस देन 25 इज लेस देन 6 स्क्वायर, 6 इज लेस देन 3 स्क्वायर, बट
25 is not less than 3 square. 25 3 square से छोटा नहीं है. तो it is not a transitive relation. तो ये reflexive भी नहीं था, symmetric भी नहीं था, transitive भी नहीं था. लेकिन हाँ, अगर ऐसा मैं लिख देता इसको, fourth example में आपको लिखता हूँ, R is equal to A comma B such that, ये भी such that के लिए, वो दो point जो colon बने वो भी such that के लिए, A is less or equal to B square on N. तो फिर ये क्या हो जाता, तब ये reflexive हो जाता, पर symmetric नहीं होता, transitive नहीं होता है. ठीक है, अब आप एग्जांपल इसी तरह के ले सकते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी खुद चेक करना. R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जरूरी नहीं ए भी लिखाओ, एक्स कॉमा वाई लिखाओ, एक ही बात है, सच दैट x इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर ऑन, इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया हमने, सेट ऑफ रियल नंबर्स R, ये R वही है जो आप R समझते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल रियल नंबर्स. अब आप इसमें चेक करें और चेक करके मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नहीं है. एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, R इज इक्वल टू, ये R और ये R दोनों इसलिए डिफरेंट बना दिए क्योंकि ये रिलेशन के लिए भी R है, इसलिए रियल नंबर का R है. R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो ऑन कैपिटल R. ये भी आप मुझे बताइए कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है. अगर है तो ज़रूर से मुझे बताना कि ये क्या है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कॉमेंट बॉक्स पर लिख के बताना. व्हाट्सअप नंबर मैंने लिखा हुआ था, वंस अगेन आई एम राइटिंग द नंबर 9685698056. और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना है. और ऐसे क्वेश्चंस और मैं आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेक्चर वन में हमने समझा कि रिलेशन क्या है, इसके तीन टाइप क्या हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी. और अगर ये तीनों हैं तो सच काइंड ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड, ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. तो आपने रिलेशन की बेसिक बातें सीखी. अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजिए और मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा. और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें. विश यू ऑल द बेस्ट.